Hello everyone. So we have completed the first part, that is the introduction of cell division, and we have studied in that cell division is of two types, mitosis and meiosis. So we continue with the first thing, that is the mitosis, first type of cell division. Okay, तो जो mitosis है इसमें क्या होता है कि first of all ये समझ लो कि ये body के cells में होता है, normal जितने भी body के cells में उसमें mitosis cell division होता है, ठीक है, somatic cells में यानी कि body के cells में. एंड देन इसमें एक पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, अनलाइक मियोसिस. मियोसिस में आप पढ़ोगे तो एक डॉटर सेल से एक पेरेंट सेल से फोर डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है. तो इसमें ओनली टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. एंड देन अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉन्स्टेंट रहते हैं, यानी कि अगर पेरेंट सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं तो डॉटर सेल में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है. इस वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट रहते हैं, देयरफॉर माइटोसिस इज आल्सो नोन एज इक्वेशनल सेल डिवीजन, ठीक है. अब माइटोसिस को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. देखो, पूरा सेल का डिवीजन है तो वो दो पार्ट्स में होगा डेफिनेटली. एक तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा एंड देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. तो इसलिए इसको हम दो पार्ट्स में ही ब्रेक करके पढ़ते हैं. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज कार्योकाइनेसिस, एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, ठीक है. अच्छा, डिवीजन समझने से पहले एक जो प्लांट और एनिमल सेल में एक जो बेसिक डिफरेंस है उनके सेल डिवीजन से रिलेटेड, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं बट एक मेन जो कुछ डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उनके शेप के अकॉर्डिंग. भाई नॉर्मली जो एनिमल सेल है उसका शेप राउंड या ओवल आपको दिखाया जाएगा. सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर और डेंस मटीरियल विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस. दिस इज न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट. ये न्यूक्लियर मैम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इंटरफेज वाले स्टेज में पढ़ा था कि जो डीएनए आरएनए वगैरह जो मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल फाइन थ्रेड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इनको कहते हैं, ये जो बिल्कुल एक फाइन नेटवर्क दिख रहा है ना थ्रेड्स का, ठीक है, दिस इज नोन एज क्रोमैटिन रेटिकुलम. सिमिलरली ये सब कुछ प्लांट सेल में भी होता है. शेप थोड़ा डिफरेंट है इसका. शेप या तो हम लोग रेक्टेंगुलर या फिर पॉलीगोनल दिखाते हैं, ऐसा होता भी है मोस्टली. और इसमें बस एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन, देखो इसमें सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. जबकि इसमें इसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, विच इज नोन एज सेल वॉल. ये सब चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ, बेसिक्स है बट इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस पूछ जाते हैं कि आपने कैसे डिस्टिंग्विश किया कि ये प्लांट सेल है एनिमल सेल है, तो आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी. सेल वॉल है इसलिए ये प्लांट सेल होगा. देन बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है, यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स है, ये सब कुछ है. अगर मेन डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गनली है विच इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स. न्यूक्लियस के जस्ट पास लोकेटेड होती है ये, नियर द न्यूक्लियस. इसमें मैं अलग से थोड़ा बड़ा साइज को ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ये जो है इस तरीके सेल ऑर्गनली है, राउंडेड, बीच में इसको आपके एक या दो सेंट्रियोल्स दिखाई पड़ते हैं. ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल डिवीजन में, एनिमल सेल के में ऑफकोर्स, क्योंकि प्लांट सेल में तो प्रेजेंट ही नहीं होते सेंट्रोसोम. तो ये जो सेंट्रोसोम है तो ये इसकी बाहर आउटर मेम्ब्रेन है. अब आउटर मेम्ब्रेन को सेंट्रोस्फियर बोलते हैं और इसके बाहर एक फाइन आईलैश लाइक स्ट्रक्चर थ्रेड ऐसे डेवलप हो जाते हैं. दीज आर नोन एज एस्ट्रल रेज. ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं, सेंट्रोसोम की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है. तो अब हम लोग आते हैं कि कैसे होगा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. देखो, न्यूक्लियस का डिवीजन जो है उसको अगेन हम फोर फेजेस में स्टडी करेंगे. दैट फोर फेजेस आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेज, जो पहला फेज प्रोफेज है दैट इज अ लॉन्गेस्ट फेज, सबसे लंबा फेज होता है ये चारों फेजेस में से. और इसमें क्या होता है कि ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स आप देख रहे हैं, क्रोमैटिन रेटिकुलम बोल रहे हैं हम इसको, तो वो क्या होते हैं, उनकी कॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है. दे स्टार्ट कॉइलिंग और ये कॉइल होके ये कन्वर्ट हो जाते हैं रॉड, थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में. उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं
क्रोमोसोम. क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर्स हैं ये दिखने में इस तरीके से लगते हैं, बीच में ये पॉइंट से अटैच होते हैं. दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोमियर और काइनेटिक कोर. ठीक है, तो ये और ये जो ये दो आप ये अलग अलग देख रहे हो ना, ये एक अलग है, ये एक अलग है. ठीक है, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स. दीज आर क्रोमैटिड्स, एक ही क्रोमोसोम के हैं तो इसलिए सिस्टर क्रोमैटिड्स, अदरवाइज यू कैन जस्ट से क्रोमैटिड्स. ठीक है, तो ये एक जनरल मैंने एक आइडिया दे दी, ये क्रोमोसोम हो जाता है थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर. तो ये प्रोफेज में होता है कि ये क्रोमैटिन रेटिकुलम की कॉइलिंग होके ये कन्वर्ट होते, ये बन जाते हैं क्रोमोसोम्स. ठीक है, और इसके अलावा ये जो सेंट्रियोल्स देख रहे हो, जो सेंट्रोस्फीयर के अंदर बंद है, ये फ्री हो जाते हैं सेंट्रोस्फीयर से बाहर, अपनी मेम्ब्रेन को छोड़ के बाहर निकल आते हैं. अगर एक सेंट्रियोल है तो स्प्लिट हो जाएगा टू में, एंड उसमें दोनों में फाइन आईलैश लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं विच आर नोन एज एस्ट्रल रेस, जो मैं बता चुकी हूँ. ठीक है, एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स. ये स्प्लिट होके अपोजिट पोल्स, मतलब एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट होने लगेगा. तो वो मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ कैसे होगा. ठीक है, हाँ, तो होता क्या है कि ये अब स्टेज आ रही है प्रोफेज जो है. प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बता दिया कि सेंट्रियोल्स जो है वो स्प्लिट होके अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं. एक इधर साइड, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया. ठीक है, एस्ट्रल रेज डेवलप हो गई हैं, ये हो गया है. इसके अलावा जो बीच में न्यूक्लियस था उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होने लगती है. ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है बीच का वो डिसअपियर हो जाता है. क्रोमैटिड उसका क्रोमोसोम्स का बता ही दिया था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो मतलब क्रोमैटिन फाइबर्स दे कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम्स इस तरीके से. और साथ में अब और क्या मेजर चेंज आता है, मैं अच्छा ये भी डेफिनेशंस कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लो. जैसे कि सेंट्रियोल्स डेवलप फाइन आईलैश, फाइन आईलैश लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको कहते हैं एस्ट्रल रेज. ठीक है, एंड सेंट्रियोल अलोंग विद एस्टर्स, यानी ये सेंट्रियोल्स और अलोंग विद दीज एस्टर्स, इस पूरे को बोलते हैं एस्टर. अच्छा, फिर स्टार्ट, ये तो बता ही दिया. अच्छा, इन एस्टर्स के बीच में क्या होता है, बिल्कुल प्रोटीनेशियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से ये डेवलप होने लगता है. आप नोटिस करो इसको, मैं ये दिखा रही हूं, मैं आपको अलग उससे दिखा देती हूँ पेन से. ये इस तरीके से इनके बीच में ये जो प्रोटीनेशियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कहते हैं हम स्पिंडल फाइबर्स. दिस इज स्पिंडल फाइबर्स. ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं, ये क्रोमोसोम से अटैच हो जाती हैं, जो उसका मिड पॉइंट है ना, जो बताया था ये सेंट्रोमियर, यहां पे अटैच हो जाती हैं स्पिंडल फाइबर्स. ऐसे करके ये अटैच हो जाती है और इसी स्पिंडल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन से फिर आगे क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, जो कि नेक्स्ट फेज में पढ़ेंगे हम लोग. अच्छा, तो स्पिंडल्स अलोंग विद एस्ट्रल, अब दोनों में देखो ये कहां से बात आ रही है कि हमने ये देख लिया स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं, लेकिन ये तो हमने भी एनिमल सेल का पढ़ा है. अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में तो एस्ट्रल रेस होती ही नहीं है, सेंट्रियोल्स ही नहीं होते, एस्ट्रल रेस ही नहीं होती, मीन्स एस्टर बनते ही नहीं है प्लांट सेल में. तो वहां पर प्लांट सेल में जो स्पिंडल फाइबर्स जो फॉर्म होती हैं दे आर फॉर्म्ड विदाउट एनी एस्टर्स. इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स तो है बट एस्टर्स नहीं है. ठीक है, समझ में आ रहा होगा. तो उस केस, उस हिसाब से ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनका अपैरेटस भी दो टाइप का हो जाता है. वो टू टाइप्स क्या है, दैट स्पिंडल्स अलोंग विद एस्ट्रल रेस एज इन केस ऑफ एनिमल्स, तो उसको बोलते हैं एम्फी एस्ट्रल स्पिंडल. Whereas the spindles without esters, as in plant cells, they are known as anastral spindle. पिछले वीडियो में थोड़ा सा छोटा छोटा हो गया था, properly बन नहीं पाई थी वीडियो, इसलिए मैंने इस बार प्रॉपर थोड़ा क्लियर दिखे वैसा अरेंज किया है. आई होप सब कुछ ठीक लग रहा होगा.
देन और ये सारे चेंजेस हो गए, ये सभी दिमाग में रखना, स्टोरी की तरह पूरा चलना, ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ, एस्ट्रल रेज डेवलप हुई, एस्ट्रल अपोजिट पोल्स की तरफ मूव किए और क्रोमैटिन फाइबर्स क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए और एस्ट्रल रेज के बीच में स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो गए। ओके, अब आता है हम लोग के नेक्स्ट स्टेज, दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज में बिल्कुल छोटा सा एक काम होना है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनका कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो इससे अटैच्ड है ना इस तरीके से, उन वो क्रोमोसोम्स का को बीच में लोकेट करा देते हैं लाइक दिस। सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरीके से बीच में आ जाते हैं। ओके, और ये जो बीच में एक इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं तो इस ये प्लेट जैसी बन गई ना बीचों बीच में, इस प्लेट को हम कहते हैं, ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन गया दैट इज नोन एज इक्वेटोरियल प्लेट, क्योंकि जैसे बीचों बीच में इक्वेटर पे आ गया ना तो इसलिए उसको इक्वेटोरियल या फिर मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेज प्लेट, ठीक है, सिर्फ इतना ही होता है मेटाफेज में। नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं, दैट इज एनाफेज। अब जो एनाफेज जो स्टेज है, दिस इज द शॉर्टेस्ट फेज। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं और वो मेटाफेज को शॉर्टेस्ट बता देते हैं, नहीं, शॉर्टेस्ट फेज इज एनाफेज, ठीक है, और लॉन्गेस्ट फेज कौन सा था, प्रोफेज हो चुका है वो। तो एनाफेज में क्या होता है कि हमने जो पिछले देखा था ना मेटाफेज में कि बीच में आ गए थे, इक्वेटर पे सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए थे, अब उन वो बीच में से स्प्लिट हो जाते हैं। यस, दिस हैपेंस कि जो क्रोमोसोम्स जो बीच में आ गए थे उनका मिड पॉइंट, दिस पॉइंट विच इज ओन एज सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है और ये टू सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो अलग अलग हो जाती है और अलग होने के बाद द स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स लाइक इस तरीके से, कि जो स्प्लिट हो गया आधा इधर जाने लगा आधा इस तरफ आने लगा, ये अटैच्ड है इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन से ही ये मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स होता है, ये चीज स्टार्ट हो गई एनाफेज के एंड तक, ये क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, एंड फिर हम लोग पहुंचते हैं अपने फाइनल फेज पे, दैट इज टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स पे पहुंच गई हैं, अब इनका दोबारा अब ये इकट्ठे होने लगे, ये इस पोल पे इकट्ठे हो गए, ये इस पोल पे इकट्ठे हो गए, एंड जो जो चीजें प्रोफेज में हुई थी, ये लास्ट फेज है टेलोफेज, ठीक है, टेलो वर्ड का मतलब ही होता है एंड, तो लास्ट फेज में जो कुछ प्रोफेज में हुआ था उसका अपोजिट होता है। अब इसमें क्या क्या होगा, लाइक सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था कि जो क्रोमैटिन फाइबर्स जो हैं वो उनकी कॉइलिंग हुई थी और वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए थे, अब यहाँ अपोजिट होता है कि यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम ये जो पहुंच गए क्रोमैटिड्स, अब इनकी अनकॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, अनकॉइल होने लगेंगे, ये थिन होने लगेंगे, ठीक है, एंड दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है, अपोजिट पोल्स पे पहुंच के इनकी कॉइलिंग थिनिंग स्टार्ट हो गई, अनकॉइलिंग स्टार्ट हो गई, आई मीन देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगती है, अब दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, देखो होने लगा ना, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, न्यूक्लियोलस जो डिसअपियर हो गया था वो न्यूक्लियोलस भी रीअपियर हो जाता है, और जो चीजें अपियर हुई थी वो डिसअपियर होने का टाइम आ गया, यानी कि एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स ये अपियर हुई थी प्रोफेज में, ये डिसअपियर होने लगती हैं और टेलोफेज के एंड तक पूरा डिसअपियर हो जाती है, ये जो सेंट्रियोल निकल के भाग के जो आ गए थे सेंट्रोस्फियर से निकल के वो दोबारा से उसी में पहुंच जाते हैं, सेंट्रोस्फियर डेवलप हो जाती है, इस तरीके का स्ट्रक्चर, यानी इस तरीके का ये पूरा फाइनल हम लोग को मिल जाता है एट द एंड ऑफ टेलोफेज,
ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो ये सब कुछ हो गया है, पूरा न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। तो अब क्या बचा, अब सिर्फ रह गया है, ये मैंने एक सिर्फ प्लांट एनिमल सेल में दिखाया, सेम बिल्कुल ऐसी ही चीजें प्लांट सेल में होती है, जो डिफरेंस था वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम लोग पहुंचे यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के बाद आता है नंबर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का, यानी कि साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जो है वो फिर हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि प्लांट सेल में अलग तरीके से होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन एंड एनिमल सेल में अलग तरीके से होता है। प्लांट सेल्स में सेल डिवीजन जो होता, मतलब साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है, दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए सेल प्लेट। सेल प्लेट बनती है। सेल प्लेट कैसे बनती है कि एक बीच में सेंटर से बाहर की तरफ एक लाइन बनने लगती है। न्यूक्लियस ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट है, ओके, टू न्यूक्लियस अलोंग विद न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये सेंटर से पेरिफेरी की तरफ ये एक बीच में एक प्लेट डेवलप होने लगती है। और इसको बनवाता कौन है, ये भी एक क्वेश्चन मान लो कभी पूछ लिया जाए। दीज आर फॉर्म्ड बाय वेसिकल्स, थोड़ा इसको पढ़ना क्या होता है वेसिकल्स ऑफ गॉल्गी अपैरेटस। अगर कोई पूछता है ना कि सेल प्लेट कौन फॉर्म करता है, तो दे आर फॉर्म्ड बाय द वेसिकल्स ऑफ गॉल्गी अपैरेटस। तो ये सेल प्लेट बनती है, और जब ये देखो सेल प्लेट पूरी बन जाएगी तो इस तरीके से ये फिर दो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक अलग सेल और ये एक अलग सेल। तो फाइनली टू डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। अच्छा, एनिमल सेल्स में क्या होता है, एनिमल सेल्स में क्या होता है कि फरो डेवलप होता है, फरो या एक कॉन्स्ट्रिक्शन इस तरीके से, जैसे ना किसी कोई बर्फी है और उस बर्फी को ऐसे हमने दबा दिया और वो फिर दबने लगी और फिर फाइनली टूट जाएगी ऐसे। तो ये सेंटर की तरफ ऐसे डीप होता जाता है। ठीक है, इस वजह से ना इसमें देखो ये डिफरेंसेस हो गए, क्योंकि ये फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स अ सेंटर फॉर्म होता है फरो, तो ये क्या हो गया, सेंट्रिपिटल हो गया। और ये फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द पेरिफेरी हो गया अंदर से बाहर की तरफ, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल हो गया इसका सेल डिवीजन। ओके, तो ये फरो की वजह से होता है, फरो या कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म होता है उसकी वजह से, एंड बाकी चीजें बिल्कुल वैसी ही है। तो ये हो गया पूरा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड देयरफॉर इससे भी दो सेल्स बन गए, एंड दिस इज डिवीजन ऑफ होल सेल। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया माइटोसिस सेल डिवीजन। सिर्फ माइटोसिस के कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, वैसे हमने स्टार्टिंग में भी थोड़ा सेल डिवीजन के सिग्निफिकेंस डिस्कस किए थे, वैसे ही है ये कि एक तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉन्स्टेंट मेंटेन होते हैं, सेल का साइज कॉन्स्टेंट मेंटेन होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सर्टेन बैक्टीरियाज वगैरह आपने याद होगा, तो उनमें कैसा होता है कि एक सिंगल सेल होता है, या एमीबा ले लो तो उसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल है उससे टू सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, तो ये माइटोसिस ही तो है। बाइनरी फिजन फॉर एग्जाम्पल इन बैक्टीरिया, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। इसके अलावा ग्रोथ में, रिपेयर में, रिप्लेसमेंट, ये ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया है। रीजनरेशन नहीं बताया था, रीजनरेशन जैसे कि लिजार्ड्स में होता है ना कि उनकी टेल कट जाती है फिर वो दोबारा से आ जाती है, तो वो रीजनरेशन कैसे हो गया भाई, पूरा एक ऑर्गन रीजनरेट हो गया, तो दैट टेक्स प्लेस क्योंकि एक पुराने जो सेल्स हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, उनसे न्यू सेल्स फॉर्म हुए और देयरफॉर एक पूरा न्यू ऑर्गन बन गया। ठीक है, तो ये आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, और सभी लोग इसको वीडियो को शेयर भी किया करो। और साथ में मैं एक बात बता दूं, मैंने इसका पीडीएफ जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है इसका लिंक, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि प्रिंट आउट वगैरह तो नहीं निकल सकता, तो आई होप तो आप उसको देखकर चाहे फोन से पढ़ लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, जैसे आपको ठीक लगे। ओके, थैंक यू, बाय।